हेलो, नमस्कार। आज मैं आपके लिए शानदार सा और बहुत इजी सा सांभर रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तुअर दाल को धोकर अच्छे से कुकर में एक विसल लगा दिया। एक विसल के बाद ये दाल है ना, ऐसा दिख रहा है, वो पूरा कुक नहीं हुआ है, आधा आधा हुआ है। उसके बाद हम लोग सारे वेजिटेबल इसमें ही ऐड करके फिर से एक सीटी लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप घर में कोई भी वेजिटेबल्स जो है ले सकते हैं। मैं ये सारे वेजिटेबल्स ले रही हूँ, ड्रमस्टिक ले रही हूँ, और मैं पॉम्पकिन ले रही हूँ, और मैं यहाँ पर कैरेट ले रही हूँ यहाँ पर मैं, और ये क्या होता है हमारा बड़ी वाले आलू जो बोलते हैं ना, वो ले रही हूँ। ये है ब्रिंजल, वो इसको ले रही हूँ। और मैं मेरे घर में भिंडी नहीं था, तो भिंडी नहीं, ये टमाटर था। और मूली ले रही हूँ, और यहाँ पर कुकुम्बर और बीन्स। आपके घर में जो सारे वेजिटेबल है ना, आप सारे ले सकते हैं। इसमें मैं ना जो वेजिटेबल आता है उसको पहले कट करके फ्रीज़र में डाल देती हूँ, सांभर का वेजिटेबल करके। तो मुझे जब भी करती हूँ मुझे इजी होता है, मैं तुरंत निकालती हूँ और डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये सारे वेजिटेबल उसके ऊपर डाल दूँगी। ये मैंने पहले से एक सीटी लगा चुकी हूँ, और से सारे वेजिटेबल्स को मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और थोड़ा सा ट्यूमरिक डाल के उसको थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर देंगे फिर से। ये क्या होता है ना, एक ही बार में आपका हो जाएगा। ये दाल को बॉईल करने के लिए डाल दे दीजिएगा। उसको छोड़ने के बाद तुरंत आप तड़का के लिए तड़का का तैयारी कर लीजिएगा, तो आपका टाइम भी बहुत अच्छे से बचेगा। तो अभी यहाँ पर मेरा पानी थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा दूंगी, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं पानी दे रही हूँ। पानी आपके ऊपर डिपेंड है कितना है, बट ये सब्ज़ी बॉईल करने के टाइम पे सब्ज़ी से भी पानी निकलता है, तो ध्यान से दीजिएगा अगर आपको मोटा मोटा चाहिए करके। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्यूमरिक पाउडर डाल दिया है। ट्यूमरिक पाउडर मैंने लगभग 1/4 टीस्पून डाला है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जानना चाहते हो। अगर नहीं डालना भी चाहते हो अभी चलेगा। मैं मोस्टली नहीं डालती हूँ, बट कभी कभी डाल देती हूँ सब्जियों को ये ट्यूमरिक से उबालने के लिए। यहाँ पर मैंने क्या है, जो टामरिंड होता है अलग, उसको लेकर पानी में अच्छे से भूना है। उसको थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा सा मैं भिगो के रखी थी, लगभग आधा घंटा 15 मिनट तक मैंने रखा था ऐसे पानी में भिगो के। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से थोड़ा सा निचोड़ लिया है अच्छे से, और सारे पल्प से सारे उससे निकल जाएंगे, रस अच्छे से निकल जाएंगे। तो फिर हम लोग ड्रेन करके उसको निकाल देंगे। अगर आपका घर में टामरिंड का पेस्ट है वो सबसे अच्छा है। मेरे घर में ख़त्म हो गया था, और यहाँ पर अभी कुछ नहीं मिल रहा, तो ये मिल रहा था तो मैं यही ले रही, क्योंकि हम लोगों का सांभर के बिना नहीं होता है, सांभर तो चाहिए होता है टाइप का। तो यहाँ पर मैंने उसको ले लिया। अभी ये छन्नी में से मैं छन लूँगी उसको, तो ऊपर वाले जो भी खद्दे वगैरह है वो ऊपर रह जाएंगे, और पानी थिक वाला पानी ऊपर नीचे चला जाएगा। तो सांभर के लिए हम लोगों को ना टामरिंड चाहिए होता है। अगर टामरिंड नहीं कर रहे तो आप ज़्यादा टमाटर डालना और एक नींबू को निचोड़ दीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं। मगर टामरिंड का टेस्ट अलग ही होता है, तो मैं प्रेफर करूँगी और आपको सजेस्ट करूँगी टामरिंड ही लीजिएगा। इसको हम लोग इमली भी बोलते हैं ना, हाँ इसको ही ले लीजिएगा। तो इसको मैंने निचोड़ के इसको निकाल दिया, वो रस्से को, और रस्से को अलग और उसके खद्दे वाले को अलग कर लिया। और फिर हम लोग शुरू करेंगे हमारा तड़का का रेसिपी, क्योंकि अभी तो दाल तो बॉईल हो रहा है अपना आप, तो दाल को 2-3 सीटी लगाएंगे अच्छे से पकने तक, फिर हम लोग अपना तड़का शुरू करेंगे। तो चलिए वो वाले स्टेप में चलते हैं अभी। ये मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल, सॉरी टी स्पून ऑयल मैंने डाला। मैंने कोकोनट ऑयल डाला, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। यहाँ पर एक छोटी चम्मच मैंने मस्टर्ड का सीड डाला है। मस्टर्ड का सीड को क्रैकल होने के लिए दीजिएगा हमेशा प्लीज़, तो नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। यहाँ पर मैंने 3 रेड चिली होता है ना, ड्राई चिली, उसको मैंने तोड़ तोड़ के डाला। आपको तोड़ने की ज़रूरत है नहीं, आप ऐसे ही डाल सकते हो, अच्छा लगता है। बट मुझे ना, मैं खाती हूँ ऐसे ड्राई चिली को, सब्जी के साथ खा लेती हूँ, तो मैं इसीलिए तोड़ तोड़ के डालती हूँ, तो मैं आराम से खा सकूँ, और हर टाइम पर मेरे पास थोड़ा थोड़ा ड्राई चिली आएगा। यहाँ पर मैंने आधा ऑनियन को कट करके डाला है। आइडियली मैं ऑनियन को भी कट करके बॉईल कर लेती हूँ, मगर आज भूल गई, तो मैं इसीलिए यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। अगर बॉईल में डाल रहे हो तो यहाँ पर फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, अगर बॉईल में नहीं डाल रहे हो तो यहाँ पर फ्राई कर दीजिए, मगर बॉईल में डालिए, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा स्मेल आता है ये ऑनियन का जब बॉईल होता है। तो अभी मैं ऑनियन को थोड़ा सा सॉटे करूँगी,
उसके बाद हमारे जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता बहुत सारा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सांभर में कड़ी पत्ते के बिना नहीं होता है, और कड़ी पत्ता का बहुत प्यारा सा स्मेल होता है जो कि और कोई भी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो कड़ी पत्ता डालिएगा ज़रूर, और कड़ी पत्ता को डाल के तो थोड़ा सा सॉटे कर दीजिएगा, और ये सॉटे वगैरह सारे प्रोसेस ना आपका मीडियम आँच में ही रहेगा, हाई पे मत लीजिएगा नहीं तो जल जाएगा आप ऑनियन जल्दी जल्दी। मुझे थोड़ा सा तेल कम है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल रही हूँ अभी, क्योंकि ये जो सांभर का मसाला होता है उसको मसाले को थोड़ा सा तेल में फ्राई होना होता है, नहीं तो आपका मसाला का कलर नहीं निकलेगा। तो मैंने अभी थोड़ा सा फिर से ऑयल डाला है। अभी मैं इसमें हींग डालूंगी। हींग भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा सांभर का। सांभर का कुछ मिनिमम चीज़ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कड़ी पत्ता हो गया, हींग हो गया, टामरिंड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिसको चाहिए आपको करके। सांभर मसाला आप कोई भी ले सकते हो, मार्केट में मिलता है, और मैं घर में भी बनाती हूँ सांभर मसाला। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सांभर मसाला का रेसिपी भी दे दूँगी, वो घर में मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैं चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ, चिल्ली पाउडर, ट्यूमरिक पाउडर। पहले मैंने हींग डाला था, उसे अच्छे से सॉटे किया था, उसके बाद ट्यूमरिक पाउडर एंड चिल्ली पाउडर मैं डालती हूँ। यहाँ पर चिल्ली मैंने नॉर्मल डाला, आपको कलर वाला चाहिए ना रेड रेड वाला तो काश्मीरी चिल्ली डाल दीजिएगा। ये है मेरा होममेड सांभर पाउडर जिसको मैं घर में बनाई हूँ, उसमें से मैंने दो टेबल स्पून मैंने डाला है, क्योंकि सांभर मसाला से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, उसमें बहुत सारे मसाले होते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि मैं घर होममेड है तो मुझे पता है क्या 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 चीज़ें लगी हैं और कितनी हेल्दी है हमारे लिए, वो भी पता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून का होममेड सांभर पाउडर डाला, फिर मैंने सबको सॉटे किया। इसको सॉटे करने के टाइम पे टेम्परेचर को स्लो कर दीजिएगा, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा। मसाले को जलने को बिल्कुल नहीं दीजिएगा, नहीं तो अगर जल रहा है तो तुरंत थोड़ा सा पानी, नहीं तो वो जो हमारा इमली वाला पानी था ना वो डाल दीजिएगा। मैंने ये इमली का पानी यूज़ किया है तो मसाला जलेगा नहीं, क्योंकि जल जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, फिर मसाला का टेस्ट ही चला जाएगा। तो मैंने इमली का पानी डाला, और फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम है पानी, तो मैं अभी आप तुरंत ना वो जो बॉइल्ड हुआ दाल डाल सकते हो, क्योंकि मेरा वो थोड़ा सा एसिडिटी नहीं खुल रहा था तो मैं पहले थोड़ा सा पानी डाल रही थी, उसके बाद ये दाल डाल लूँगी। अभी खुल गया मेरा एसिडिटी। ये देखिए सब्जी कितने प्यारे से पक गया है, दाल भी बहुत अच्छे से पक गई है। ये साइड में जो दाल लगी है उसको निकाल दीजिएगा, कुछ वेस्ट मत कीजिएगा, बहुत लोगों को खाने को नहीं मिलता है तो खाना वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, जहाँ से जो भी हो सके उसका अच्छे से यूज़ कीजिएगा। तो मैंने जो टमाटो था ना उसको पहले ले लिया और उसको इसके सब्जी के साथ पहले मैश कर दिया थोड़ा सा, ये ज़रूरी है नहीं मगर मैं नॉर्मली वो बड़ा बड़ा दिखता है ऐसा, तो इसीलिए मैं पहले ले ली उसको, लेकर इसमें थोड़ा सा मैश कर लिया, और बाकी सारे अभी दाल के साथ सारे सब्जियों के साथ इसके साथ मिला देंगे हम लोग। और डालने के टाइम में थोड़ा ध्यान से डालिएगा, बहुत गर्म होता है तो हाथ वगैरह जल जाएगा, तो थोड़ा शांति से और थोड़ा धीरे धीरे ही डालिएगा। ये देखिए मैंने ना बहुत जन का देखा था, बहुत बार बहुत जन ना बहुत वरीड होते कि सांभर सांभर कैसे बनाएंगे, सांभर तो हम लोग नहीं बना सकते, ऐसे क्यों, घर में बहुत अच्छे से सांभर बना सकते हो, बाहर से 1000 times बहुत अच्छा बनता है, और घर वाली आपको आएगी, वो बाहर वाले जो तेल ज़्यादा तीखा तीखा वो सारे नहीं आएगा, आपको घर में बहुत अच्छा से सांभर खाएंगे और खाने से भी आपका तबीयत वगैरह कुछ नहीं होगा। ये रेगुलरली आप घर रोज़ में बना सकते हैं, चावल के साथ खाने के लिए, ये खाने के लिए, वो खाने के लिए। देखिए अगर आपने पहले से ट्यूमरिक नहीं डाला तो अभी डालेंगे, पानी के साथ ही डाल देंगे। मेरा मैंने सब्जी बॉयल में डाला था तो अभी और मैं ट्यूमरिक नहीं डालूँ। कोरिएंडर भी बहुत मस्त है, डालिएगा, बहुत प्यारा स्मेल आता है उसमें से। तो यहाँ पर मैंने कोरिएंडर 1 टेबल स्पून जैसा कट करके मिलाया, उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैं अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैंने अभी थोड़ा डाला, और थोड़ी देर के बाद और थोड़ा डालूँगी, नहीं तो वो ना कोरिएंडर ज़्यादा काला काला हो जाता है। तो अभी मैं इसको हीट से निकाल दूँगी, गैस के ऊपर से निकाल लूँगी और बाहर ले लूँगी और फिर सर्व कर लूँगी। अभी देखिए मैंने, मुझे थोड़ा थिक पसंद है इसीलिए मैंने थोड़ा इतना रखा, आपको अगर चाहिए तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा दे सकते हैं, सांभर थोड़ा रहने के बाद वो पानी खींचता है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बताइए कैसा लगा मेरा रेसिपी, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो इन फ्यूचर जो सारे वीडियो आएंगे आप सारे वीडियो देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।